हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि बात करें, अभी भी आपके बहुत सारे जो भी कमेंट्स आपने किया था कि सर मुझे बताइए कि आपका पीजी और आपका यूजी, बात करें आपको यूजी यानी ग्रेजुएशन में का पार्ट हर का इस एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है तो आपका पार्ट वन पार्ट टू क्लियर नहीं, यानी पार्ट वन में आपको सेम मार्क्स आया है जो कि पार्ट टू में आया था, पार्ट वन में दो बार एग्ज़ाम देने के बाद आया था और पार्ट टू प्रमोटेड हैं आप में से बहुत सारे लोग जो भी यूजी का वोकेशनल रेगुलर पार्ट हर का फॉर्म भर रहे हैं तो उनका पार्ट वन है, पार्ट टू क्लियर नहीं है, प्रमोटेड है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ एग्जाम फॉर्म को लेकर के। और उनके लिए भी जो पीजी सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपका भी कुछ पार्ट्स अगर प्रमोटेड है तो पीजी वाले प्रमोटेड वाले के भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। और भी कुछ कुछ आप सभी के एग्जाम फॉर्म रिलेटेड क्वेरीज भी मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सर, यहाँ जानने के लिए आपको आज का वीडियो और देखने के लिए क्या भी अपडेट आई है आपके एग्जाम फॉर्म को लेकर इस पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की तरफ से, सारी जगह जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करें, जब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माई सेल्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बात का को पढ़ने को जा रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हो 31 अगस्त को आ गई थी नोटिस सूचना कि वैश्विक महामारी COVID-19 के मद्देनजर देखते हुए एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्नातक तृतीय खंड यानी स्नातक पाठ्यक्रम के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति वैसे सभी छात्र छात्राओं को भी दी जाती है जो स्नातक प्रथम द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण प्रमोटेड है। तो पढ़ने को जा रहा है कि ग्रेजुएशन जी माई डियर फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के सिर्फ पार्ट देख पा रहे हो थर्ड ईयर का जो फॉर्म भरा रहा है। तो अगर आप भी पार्ट वन पार्ट टू, आप में से बहुत से लोग मैसेज पे कमेंट किए थे कि सर मैं क्या करूँ, मेरे पार्ट वन में प्रमोटेड हूँ तो क्या मैं पार्ट थ्री का फॉर्म भर सकता हूँ, कि सर मैं पार्ट टू में प्रमोटेड हूँ, मैं पार्ट वन क्लियर है कि पार्ट थ्री का फॉर्म भर सकते हैं। तो जी माई डिफरेंस, अगर आपका भी पार्ट वन है पार्ट टू में से कोई भी, या मान लीजिए दोनों में से कोई भी, अगर दोनों भी प्रमोटेड हैं अगर आप, तो आपको इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट थ्री के एग्जाम से फॉर्म भरने का मौका दे रहा है। मैंने को यही को पढ़ने को मिल जा रही है कि छात्र को ध्यान में रखते हुए स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा प्रपत्र भरने की अनुमति वैसे सभी छात्र छात्राओं को दी जाती है जो स्नातक प्रथम या द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण या प्रमोटेड है। तो अगर आप प्रमोटेड है फर्स्ट या सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन के UG रेगुलर वोकेशनल के सब्जेक्ट्स में, तो आपको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं पार्ट थर्ड का। यह सुविधा सिर्फ वर्तमान सत्र के छात्र छात्राओं को दी जा रही है, अगले सत्र से जैसे पूर्ववत व्यवस्था रखी जाएगी। ये थी बहुत बड़ी अपडेट आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। पढ़ने को मिल जा रहा है कि TPS स्कॉलरशिप बहुत बड़ा अपडेट कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के देख पर पता है 31 अगस्त के अनुपालन में वैश्विक महामारी COVID-19 के मद्देनजर एवं छात्रित को ध्यान में रखते हुए स्नातक द्वितीय खंड के परीक्षा प्रपत्र भरने की अनुमति वैसे छात्र छात्राओं को भी दी जाती है जो स्नातक प्रथम द्वितीय खंड में अनुत्तीर्ण प्रमोटेड हैं। यह सुविधा सिर्फ वर्तमान सत्र के छात्र छात्राओं को दी जा रही है, अगले सत्र से पूर्ववत व्यवस्था जारी रहेगी। तो सिर्फ COVID-19 को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, बस इस बार आपको ऐसी चांस मौका दिया जा रहा है, प्रमोटेड वाले को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है UG प्रमोटेड पार्ट वन पार्ट टू को। और अगले साल से जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे ही एग्जाम होगी, फॉर्म भरा दिया जाएगा, यानी आपको पार्ट वन पार्ट टू क्लियर रहेगा तभी आप पार्ट थ्री का फॉर्म भर पाएंगे अगले साल से। इस साल आपको रिलीफ दे दी यूनिवर्सिटी ने कि पार्ट वन पार्ट टू प्रमोटेड भी है तभी आप पार्ट थ्री का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। गुड न्यूज़ आ गया, अब उनके लिए क्या करना होगा, कुछ कुछ को आपको मैं क्वेरी सॉल्व कर दूँ यहाँ पर। तो जिसके लिए देख पाओ, उसके लिए मुझे आना होगा इस रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पोर्टल पर। आप भी अजय, अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरनी है, मैंने उस पर पूरी ट्यूटोरियल बना के डाल रखा है ऑलरेडी, वीडियो को हमें चैनल पर देखने को मिलेगी। और यहाँ नीचे आने पर आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मिल ऑप्शन मिल जाता है UG PG वोकेशनल का एग्जामिनेशन फॉर्म का, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं टैब आ गया है या नहीं। तो UG रेगुलर का भरा रहा है, UG वोकेशनल का भी भरा रहा है, PG रेगुलर का भरा रहा है और PG का भी देख सकते हो, भर सकते हो। तो आप सबके गुड न्यूज़, जो भी PG फेल्ड स्टूडेंट है, PG क्या के स्टूडेंट है और जो PG प्रमोटेड है बैक स्टूडेंट्स है, वो भी अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल जा रही है अभी वेबसाइट पर, यहाँ पर आप सीखे PG के प्रमोटेड, अगर आप भी प्रमोटेड हो किसी भी सेमेस्टर में, प्रीवियस सेमेस्टर में हो, तो अब कोई डोंट वरी, या बैक लगा हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या एक्स स्टूडेंट या फेल्ड हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं इस सेमेस्टर का, अगले सेमेस्टर का जिसका भी एग्ज़ाम हो रहा है, और PG रेगुलर और UG वोकेशनल और रेगुलर वाले भी। तो अब बस बात करें, इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है, PG वोकेशनल बहुत सारे लोग अभी PG वोकेशनल का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है। तो मेरे फ्रेंड, जैसे कि बात करें, आप सभी को पता होनी चाहिए कि अभी आपके PG रेगुलर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का एग्ज़ाम से फॉर्म भरा रहा है, वोकेशनल का 1, 2, 4 का और रेगुलर का 1, 2, 3 का, और डिग्री
रेगुलर ऑफ वोकेशन का पार्ट का फॉर्म भरा रहा है जिसकी 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क तक डेट थी, आज तो एक हो गई। अब आपको विलंब शुल्क लगेगा, 1 से 3 सितंबर तक भरिएगा, कितना कितना लग रहा है। तो पीजी रेगुलर जनरल BC2 को 900, SC ST को 700, विलंब शुल्क 100, पीजी वोकेशन जनरल। बात करें इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पीजी वोकेशन वालों को एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में। जैसे देख पा रहे हो सेमेस्टर 1-4 का एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है और लेट फाइन के साथ शुरू भी हो गया है। बट यार आप लोगों को तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का टैब अभी तक ओपन नहीं हुआ, मैं भी कीप चेक कर रहा हूँ। जैसे देख पा रहे पीजी वोकेशन के लिए टैब ही नहीं आया है, टैब आएगा तभी तो कोई फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो देख पा रहे पीजी रेगुलर का नहीं दिख रहा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा चलिए बताते हैं। तो जिसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल के होम पेज पर आ जाइए, आने के बाद आपको हमारे चैनल के सेक्शन में ही मदद चैनल को अभी तक उसमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, फिर आप और सेक्शन में चैनल के आ जाइए, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाता है। आप मुझे सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी कोई भी क्वेरीज या कोई भी आपको गाइड चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर चलिए आपको जुड़ जानी है। चलिए टेलीग्राम चैनल पर आ गए हैं, आने के बाद देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे पीजी का सारा सिलेबस भी डाला है। बहुत सारे मेरे मित्र फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे पीजी का सोशोलॉजी का सिलेबस दीजिए। सर ये माय डियर फ्रेंड्स मैंने पीजी का पूरा सिलेबस डाल रख दिया है इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऑल इन वन सिलेबस है न्यू लेटेस्ट पैटर्न CBCS पैटर्न पर। तो आप चेकआउट करना ना भूलें, कुछ कुछ प्रीवियस पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जिसको मैं डेली अपडेट्स कर रहा हूँ। और इसके इवन आपको कोई भी और प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट छोड़ देना जरूर। तो चलो यहाँ पे आपको आ जानी है ऊपर, मैंने कुछ पिन मैसेजेस रखी है, सिलेबस आपको यहीं से राइट मिल जाएगा। देख पा रहे अभी नोटिस यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब सॉरी ये पेपर आपको नहीं देखनी है, आपको आपको हाँ आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। चलिए आप ये खोल लीजिए, खोलने के बाद आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स मैंने यहाँ पे पहले अपलोड कर रखा है जिसको मैंने पिन कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ देखो कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। जनरली जो भी पीजी वोकेशनल वाले अभी आप सभी को फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कम से कम एकता दिखाइए आप सभी को मिल करके। यहाँ पर देख पा रहे कुलपति कार्यालय का मेल है, इस मेल पर मेल कर दीजिए और मुकेश कुमार जी का नंबर इनको कॉल करिए। और इन पर कॉल नहीं लगे तो यह देख पा रहे हो छात्र कल्याण का नंबर है, इनको यहाँ पर कॉल कर सकते हो, दोनों का नंबर है। परीक्षा विभाग को जरूर जरूर पहले इनको कॉल करें, मेल कर दीजिए। और देख पा रहे महेश मंडल जिनका नंबर इनको कॉल करिए, ऋषिकेश जिनको कॉल करिए। और देख पा रहे आपको इनको कॉल करना पड़ेगा, शिकायत दिवारे के इनको कॉल करिए। और फिर उसका देख पा रहे हो यहाँ पे मीडिया प्रभारी है, इनको भी मेल और कॉल कर सकते हैं। सभी मिलकर कॉल करिए, बोलिए कि सर अभी तक बोलिए अब लेट फाइन स्टार्ट हो गई है, हमारा पीजी वोकेशन का एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं रहा है, टैब ही नहीं आई है। और तब तो अगर मान लीजिए कॉल नहीं लगता है तब क्या करना होगा, तब उसके लिए आपको तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाना होगा। उससे पहले एक बार अपने कॉलेज में पता जरूर ही कर ले कि आखिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम है, अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुआ है। और यहाँ पर आपको मैं कुछ ईमेल्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ और कुछ और भी कॉन्टैक्ट नंबर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे और भी प्रोवाइड कर दिया है हेल्पलाइन नंबर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, और भी ईमेल आईडी ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का PPUP@help.com। आप इस मेल पर जितना हो सभी मिल करके मेल करें, आपके पास 10-15 आईडी उस 15 आईडी से भी मेल करें कि सर अभी तक पीजी वोकेशन का फॉर्म नहीं भरा रहा है, तब देखिए बहुत जल्द शुरू होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जो जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रही है इसकी डेट एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड होनी भी चाहिए। अब खैर देखिए आगे क्या अपडेट आता है। पीजी वोकेशनल वालों आप सभी समझ गए, आप सभी क्या करना पड़ेगा, आप सभी को कंप्लेन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को कॉल करके मेल करके, या फिर भी उस पर जवाब नहीं मिलता है तो आप अपने पहले कॉलेज में भी संपर्क कर लीजिए, कॉलेज वाले क्या बोलते हैं। फिर वहाँ आपको जवाब नहीं मिला तो आप डायरेक्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिस देख रहे कंकड़बाग में हेड ऑफिस, वहाँ वहाँ ही चले जाइए, आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलो ये तो हो गया, मैंने सब डिटेल्स बता दी, अब चलिए कुछ कुछ क्वेरीज का जवाब दे देता हूँ। देख पा रही है करिश्मा जी ने पूछा है कि मेरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम फॉर्म पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, क्या करे। तो देखिए आपको करिश्मा जी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है यानी आपने फॉर्म भर लिया ठीक है तो आपने पेमेंट किया, पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है वेबसाइट पर। तो ये तो देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम वेबसाइट की तरफ से है, आपको क्या करनी होगी, आपको जैसे कि बताया प्रेस एग्जाम फॉर्म तो भरी थी, आपको ये सब करनी नहीं है, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे व्यू और पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करिए तो यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना एग्जाम फॉर्म नंबर भरना होगा। फॉर्म नंबर याद रखिए जो आपने फिल किया है 21 को छोड़ के, उसके बाद जो नंबर वो डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चर रख के सच पर क्लिक करिएगा, तब आपको आपका प्रिंट रिसिप्ट दिखता है, प्रिंट रिसिप्ट खुल जाएगा, उस पेमेंट रिसिप्ट को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भी। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली कमेंट देख पा रहे हैं, हमारे मोहम्मद फहद इकबाल जी ने कमेंट किया था कि सर मुझे प्लीज़ हेल्प मी, मैंने PPU में पढ़ पा रहे हो, PG में एग्ज़ाम फॉर्म पेमेंट नहीं किया है क्योंकि आधार कार्ड नहीं डाला था, मैंने अपने बाप ने बताया कि दोबारा से फॉर्म फिल करे पर जो भी डिटेल डाल रहे हैं तो पेमेंट वाला पेज खुल जा रहा है, आपको क्या करनी पड़ेगी हम कभी बताते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जानी है।
सेटिंग माने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप जो भी मोबाइल फोन में आप खोलते हो पासवर्ड मोबाइल फोन अपने गूगल पर सेव कर लेते हो, तो आपको सेव पासवर्ड का इसको सेटिंग को ऑफ कर देना है। या पासवर्ड सेव करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सेव कर लो, यहाँ पे बस ऑटो साइन इन का ऑप्शन दिखता है, इसको आप यहाँ पे से हटा दीजिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है आप इसको जस्ट खोल लीजिए ऐसे करके, ऐप इन्फो में चले जाइए, इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको क्रोम दिखता है, तो आपको क्रोम को क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपको ऑप्शंस मिल जाता है, क्लियर डिफॉल्ट तो ये सब नहीं करनी, क्लियर कैच करनी होगी। क्या करनी है आपको, क्लियर कैच, तो देख पा रहे हो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर कैच जो भी यानी कैच मेमोरी उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब क्या होगा, कैच मेमोरी आपका क्लियर हो चुका है क्रोम का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फ्री स्पेस भी हो गया, कैच मेमोरी क्लियर हो गया, आपको बस कैच मेमोरी क्लियर कर लेनी है। अब आप कैच में भी क्लियर कर लिए, अब आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा वापस एग्जाम फॉर्म भरने जाइएगा, तो एग्जाम फॉर्म भरने जाइएगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना डिटेल चूज़ करके आपको जिस पर डिटेल्स भरना है आप बिंदास चूज़ करके डिटेल्स आगे भर सकते हैं। अब साहिद जी ने कमेंट किया है कि हिस्ट्री ऑनर्स पे पार्ट 3 का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं लेकिन उसमें 4 सब्जेक्ट ही शो कर रहा है, अब क्या करना पड़ेगा। तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, 4 ही पेपर भराया है। तो देखिए 4 ही पेपर भराया है तो बात करें आपको, देखो पेपर का कोई भी करेक्शन अगर करनी है फॉर्म में कोई भी करेक्शन, तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा। अभी करेक्शन हो रही है आपके अपनी कॉलेज में, तो अपनी कॉलेज में जाइए वहाँ पर भी करेक्शन करा लीजिए। वहाँ पर ऑफलाइन आपको जो पेपर्स का एग्जाम देना उस पेपर्स को भर करके फिल करके अपने कॉलेज के काउंटर पर जमा करिए। किन्हीं किन्हीं को पेमेंट का प्रॉब्लम होता है कि अगर पेमेंट आपने कर दिया है, सपोज मान लीजिए पेमेंट करने के बाद फिर दोबारा पेमेंट को कह रहा है, यानी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, पैसा कट जा रहा है, तो उस आप निश्चिंत रहे। उसके लिए आपको मैंने बताया अभी वीडियो की शुरुआत में, टेलीग्राम चैनल पर मेल आईडी दिया पीपीओ का, उस आईडी पर मेल करिए, अपना जो डिटेल्स लिख दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, अपना सारी जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए और लिख दीजिए कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तब आपकी जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे 12 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगी, मैक्सिमम 24 आवर लगेगा, मिनिमम 12 आवर। बात करें आपसे कि बहुत सारे कॉलेजेस पाठ्यपुत्र से जितने भी कॉलेजेस हैं आपके अपने कॉलेज की तरफ से भी आ गई होगी नोटिस आपके पीजी सेमेस्टर 1, 2, 3 रेगुलर यूजी पार्ट 3 रेगुलर एग्जाम फॉर्म सबमिट को लेकर के, तो आप सभी एग्जाम फॉर्म तो भर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, आप जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है इसको सबमिट करना होगा अपने कॉलेज में। पाठ्यपुत्र के सभी छात्र छात्रों सूचित किया जाता है कि नामांकित छात्र छात्राओं को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद नीचे देखे कागजात को 7 महाविद्यालय की मुद्रा शाखा पर अपने जाके जमा करना है अपने डिपार्टमेंट में। अब देखिए कहाँ जमा करिएगा, तो आपका रेगुलर अगर डिपार्टमेंट है यानी पीजी का, तो रेगुलर अगर तो रेगुलर डिपार्टमेंट में जाइएगा, वोकेशनल डिपार्टमेंट जाकर सबमिट करिएगा। वही यूजी वाले का भी आपका रेगुलर, तो रेगुलर डिपार्टमेंट में जाइए, या वोकेशनल तो वोकेशनल जाकर सबमिट कर दीजिए। क्या सबमिट करनी है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का एक फोटोकॉपी सबमिट करिए, जो भी एग्जाम फॉर्म भरा है उसका की रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक फोटोकॉपी और एडमिशन फी रिसिप्ट उसका एक फोटोकॉपी। यदि महाविद्यालय में परीक्षा प्रपत्र एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी और नीचे दिए गए कागजात को जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसकी जवाबदेही छात्रों को होगी। तो ये नोटिस आई है आपकी अभी एन कॉलेज की तरफ से भी आई है और टीपीएस कॉलेज की तरफ से भी आई है। अब आज के बहुत सारे कमेंट पूछ रहे हैं सर कब तक जमा करना है। देखिए अभी तो फिलहाल फॉर्म फिलअप हो रहा है 3 तक ना, तो 3 तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यानी रखिए कि 4, 5, 7 तक आप जमा कर सकते हैं। पर देखो आप एग्जाम फॉर्म भर लिए तो आप अगले दिन जाकर जमा कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। मेरे फ्रेंड किन्हीं को आप सभी में से प्रीवियस से पेपर चाहिए तो कमेंट कर दे, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीवियस पेपर्स और भी मिल जाएंगे। और बात करें मैंने सिलेबस पहले ही डाल रखा है, अब चलो बताते हैं पार्ट 3 वालों के लिए जो आई है अभी अपडेट एग्जाम फॉर्म सबको सबमिट करने के लिए। मेरे पाठ्यपुस्तक विद्यालय के अंतर्गत डिग्री पार्ट 3 परीक्षा 2021 के छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरकर परीक्षा प्रपत्र के साथ 3 कागज लाकर महाविद्यालय के काउंटर पर जमा करेंगे, तभी वह छात्र छात्रों को डिग्री पार्ट 3 का परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय से वैलिडेट किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं अपना परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने के तुरंत बाद कागजात के साथ उसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय के काउंटर पर जमा नहीं करेंगे, वैसे छात्र छात्रों का परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय से वैलिडेट नहीं किया जाएगा, इसकी जवाबदेही खुद होगी छात्र छात्राओं की। वही परीक्षा प्रपत्र के हार्ड कॉपी के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक कागजात समझ लीजिए आप डिग्री पार्ट 1 पार्ट 2, अब देखो यूजी पार्ट 3 को हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ये समझ लीजिए, आपको डिग्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एडमिशन रिसिप्ट लगेगा, ठीक है, और परीक्षा शुल्क जमा जो किए हैं अभी एग्जाम फॉर्म का वो रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक फोटोकॉपी। अब पढ़ने के मिल जा रहा है कि नियमित छात्र छात्र हुई तो मैंने आपको बता ही दिया शेड्यू का डेट की 3 सेट होता है, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं, मैंने आपको बता तो दिया कि जो भी प्रमोटेड हैं यूजी वाले उनको एग्जाम फॉर्म भरने दिया जाएगा, पर उनको एग्जाम फॉर्म भरना कैसे ये समझ लीजिए। अब एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड भी होने वाली है, ये भी आप लिख के रख लीजिए, जरूरी एक्सटेंड होगी, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे वोकेशनल का पीजी वोकेशनल का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, आप कंप्लेन करिए, और यहाँ पे पीजी का तो आ गया, प्रमोटेड वाले फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजी का भी जो इन्होंने शुरू किया पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी ने, तो इसी तरह आपको नीचे में दिखेगा यहाँ पर टैब ऐड हो जाएगा यूजी प्रमोटेड, यूजी लिखा रहेगा एक्सेस स्टूडेंट और फील्ड और यूजी प्रमोटेड और बैक, तो इस तरह से उसका टैब भी आ जाएगा। तो प्रोसीड्यूर बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने पिछले उन्हें बताया था एग्जाम फिलअप करने का, तो जस्ट वेट करिए, यूनिवर्सिटी से अपडेट कर ही रहा है। और फ्रेंड्स बात करें आप में से किसी को भी अगर पीजी का भी आपको ये पता नहीं कि कौन सा गेस्ट पेपर लेना है, तो उसके लिए मैं वीडियो के कौन से कमेंट जरूर कर ले, या आप जो भी गेस्ट पेपर ले चुके हैं अपना इस वीडियो के कमेंट से सुझाव दे, बताइए कि सर मैंने ये गेस्ट पेपर आपने लिया है, तो
तो माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास की कुछ अपडेट्स, वीडियो पसंद भी को लाइक करेंगे। इस तरह का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमें जुड़ी टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ भी मैं आपको अपडेट्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतने दिन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।